दोस्तों, मैं आप सबकी शाले में कैसे हैं? आप सब उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो उम्मीद करते हैं सब सही होगा, अच्छा होगा। और बढ़ते हैं अपने स्टोरी के प्रीवियस पार्ट की तरफ। तो देखते हैं कि हमारी जो निया होती हैं, शानवी को देखती हैं, वो एलो साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही होती है, गजब की भला लग रही होती है। तो उनके मुंह से निकल जाता है कयामत लग रही है। तो फिर इधर जो चंचल होती है, कहती है हाँ दीदी, वो अपने कुछ बोल दो। कहती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम नाश्ता करो। और वो बड़े ध्यान से शानवी को घूर रही होती है। और ये चीज़ शानवी को थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता है। तो देखते हैं कहानी के आगे। तो ये जो होता है कि हमारी जो शाह होती है, सॉरी, जो हमारी शानवी होती है, वो उसको नॉलेज होता है कि ये मुझे चेकआउट कर रही हैं। तो ज़्यादा वो उस बात पर ध्यान नहीं दे रही होती है। वो और जानबूझ के उनके सामने थोड़ा सा ऐसे खड़े होके, थोड़ा सा इधर से कुछ कुछ बहाने से इधर उधर कर रही होती है। और लाइक दैट कि ये दिखाना चाह रही हो कि नहीं मैं नहीं देख रही। बट उसको पता होता है कि जेवनिया हो है वो उसको चेकआउट कर रही है, और वो चाहती है कि हाँ आप करो। तो फिर जिधर साइड हमारी निया बैठी हुई होती हैं, उस साइड कुछ चीज़ें रखी हुई होती हैं। तो इनकी जो माता जी होती हैं, नाना जी, वो चली जाती हैं किचन में। उनके फादर कहते हैं कि अच्छा तुम दोनों बात करो, मैं अभी आता हूँ, मुझे कॉल करना है। तो वो भी चले जाते हैं। और चंचल अपने खेलने में बिजी होती है। और वो कहती है कि मैं ना घूम के थोड़ा ऊपर से आती हूँ देख के। तो वो चली जाती है और ये होते हैं दोनों अकेले हॉल में। और हमारी जो शानवी होती है, वो तो ऐसे ही बहाने से कि कुछ लेने के बहाने से श्राय के सॉरी निया के एकदम करीब आती हैं। और वो एकदम करीब हो के ऐसा लगता है कि जस्ट अभी इन दोनों में किस हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। दोनों बेहद करीब होते हैं। हमारी जो शानवी होती है, जानबूझ के निया को छेड़ रही होती हैं एकदम इतने करीब, और इतने करीब कि उसको पता चल रहा था कि हमारी जो निया है उनकी सांसें बड़ी हुई हैं उनको इतना करीब पा के। और जो हमारी जो शानी होती हैं, ये तो उनको जब पता चलता है कि इनके दिल की धड़कें इतनी बड़ी हुई हैं, सांसें बड़ी हुई हैं, तो और थोड़ा उनको पहचान और परेशान करने के लिए थोड़ा और करीब होती हैं। और वो ऐसे जताती हैं कि पीछे से कुछ लेने के लिए आ रही हैं। तो वो ऐसे सामने से खड़ी हुई होती हैं और अपना हाथ पीछे की तरफ रखती हैं, और उधर से वो कप उठाती हैं। तो फिर उठा के हट जाती हैं। तो क्या ऐसे हट जाती हैं और मुरली को, नहीं नहीं सॉरी, अपने नौकर को बुलाती हैं। हाँ तो बुलाती हैं और कहती हैं कि मैं लखन भैया, ये कब ले जाके दो दीजिए, कितने दिन से यहाँ पड़ा हुआ है। तो कहते हैं कि हाँ दीदी जी। वो चली जाती हैं। तो इधर हमारी निया के दिमाग और जहन में ये हलचल मची होती है कि यार इतनी करीब आके मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा था उसके लिए, और ये फीलिंग्स नहीं। वो कहती है नहीं नहीं ये कुछ तो कहती है कि नहीं, बट इसके पास आने से मेरी दिल की धड़कने और मेरी सांसें बढ़ गई थी। हाँ तो ऐसे कह रही होती है, सोच रही होती उफ, इस ये गजब की कयामत लग रही है ऊपर से इतनी नज़दीक।
तो उसको पसीने आ रहे होते हैं, तो हमारी शानवी आती है टिश्यू पेपर लेके, कहती है कि पसीना पोंछ लो। तो कहती नहीं 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 पसीना मुझे क्यों, मैं ठीक हूँ। तो कहती कि माथे पे पसीना आया हुआ है पोंछ लो, तो मैं इसे बढ़ा देती हूँ। तो कहती है कि ठीक है, हाँ रहने दो, मैं मेरे पास हैंकी है। तो कहती कि ओके ठीक है। ऐसा होता है ना गाइस कि जब हम किसी के दिल में उतरने लगते हैं तो जबान में हमारा साथ छोड़ने लगता है, और जब हम किसी के दिल से उतर जाते हैं तो इंसान का पता नहीं क्या हाल होता है। प्यार आ जाता है यार, कभी हो जाता है कभी खत्म हो जाता है। प्यार है भी या क्या है? ठीक है, देखते हैं अपना स्टोरी की तरफ। तो फिर हमारी जो शानवी होती है, वो देखती हैं कि परेशान है हमारी अरे सॉरी हमारी जो परेशान है निया, और अपने आंखी से अपने माथे का पसीना पोंछ रही हैं, और कहती हैं कि ये इंसान इतना ढीठ है कि कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है मगर अपने दिल की बात नहीं कह सकता, तो मैं इससे भी बड़ी वाली ढीठ हूँ, देखो तुम्हारी हालत के मैं क्या करती हूँ। तो वो जूस लेके जाती है क्लास में, तो कहती है कि जूस, तो हाथ में ही ली हुई थी गिलास, तो वो गिलास पकड़ती है। तो क्लास में ऐसा होता है कि हमारी जो शानवी होती है जानबूझ के अपना हाथ टच कराते हुए क्लास छोड़ती हैं। तो भाई साहब तब तो और मैटर हो जाता है, हमारी श्रेया सॉरी बार बार श्रेया मुंह में आ रहा है, हमारी जो निया होती हैं वो कहती हैं कि जो फील उनके छूने से उनको होता है उनकी बॉडी में करंट सी दौड़ जाती है, और हम बिल्कुल एक बिना किसी के छुए और एक छूने का एहसास हो जाता है ना गाइस, वैसे बस दोस्तों वैसे ही उसको भी फील हो जाता है। तो फिर वो शानवी की तरफ देखती है और फिर अपनी नज़रें झुका के जूस पीने लगती है, कहती है हाँ हाँ मैं जूस पी लेती हूँ ना, आई थिंक सच में मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो वो जो कपड़े पहने हुए होते हैं शूट पहने हुए होते थे, कहती कि ये कोट निकाल दो क्योंकि कहती क्यों क्यों, और तो कहती कि आपको गर्मी लग रही है ना, तो कहती कि हाँ हाँ ठीक है ओके। तो वो निकाल देती है और फिर बैठती है, तो उधर नाना जी आ जाती है तब तक, और इधर ये इसकी हालत देख के हंस रही होती है, और हमारी तब तक चंचल भी आ जाती है। तो तब तक शानवी के फ़ोन पे कॉल आता है, ऐना का वो कॉल रहता है, तो वो चली जाती है। और इधर नाना जी पूछती हैं कि क्या हो बेटा आप कोट वगैरह, तो कहते वो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो कहती है कि हाँ गर्मी, तो वो देखती है कि सच में वो गीली हो गई होती है पसीने से, कहते ठीक है कोई नहीं, तो आप जाओ उधर शानवी का कमरा है उधर फ्रेश हो लो। तो कहती है हाँ ठीक है। तो वो लखन को बुलाती है, कहती है कि शानवी का कमरा दिखा दो। तो इधर लीवा के जो लखन होता जाता है और देखती है कि जो हमारी शानवी का रूम होता है वेल सेटेड होता है, सब कुछ हर एक चीज़ जगह पे होती है, धूल मिट्टी का कोई नामो निशान नहीं होता है, कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं हुई होती है। तो कहती है कि लगता है इसको पहले से इसके दिमाग और शरीर में दोनों में कीड़े हैं साफ सफाई के, इसीलिए तो देखो इसका रूम
कितना साफ। तो देख ठीक है यार, अच्छी है। तो वो कहते हैं कि कहता है कि मैं जाता हूँ मैडम, तो कहते हैं हाँ ठीक है जाओ। तो वो कोट बेड पे रखती है और हमारी शानवी जो होती है उनको पता नहीं होता है कि जो निया है वो अंदर ही है। तो वो बात करते करते अपने रूम में आ जाती हैं और बात कर ही रही होती है कि है ना ये आज मुझे चेकआउट कर रहे थे, मैंने सारी एज पहना था। वो सारी बातें बता देती है जो जो हुआ रहता है, कि मैंने जूस का गिलास दिया, हाथ में टच हुआ, इनको इतने पसीने आए। तो वो इधर वॉशरूम में होती है और जो कि उसने पानी ऑन करके रखा होता तो आवाज़ तो नहीं आती है, बट सडन वो बाहर आती है टॉल लेके हाथ पोछते हुए। तो निया जो होती है बाहर आती है और शानवी जो देखती है कि ये यहाँ, तो उसकी आंखें खुली खुली रह जाती, कहीं इसने सुन तो नहीं लिया। तो कहती है कि आप यहाँ? तो कहती है कि हाँ मैं यहाँ तो नहीं आ सकती। तो ऐसे वो बोलते हुए उसकी तरफ आ रही होती है। तो कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल आ सकते हो। तो कहते हैं कि तुम हकला क्यों रही हो? तो वो कहती है कि आप मतलब आप पहले से थे? तो कहते हैं कि हाँ हाँ मैं पहले से, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फ्रेश होना था इसलिए। तो ठीक है अगर बुरा लगा तो मैं जा रही हूँ। तो वो हाथ पकड़ लेती है और कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। तो कहती है कि नहीं एक्चुअली मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो कहती है कि ओके। तो वो थोड़ा सा असहज महसूस करते हुए निया शानवी से कहती है, शानवी मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो कहती है हाँ बोलिए। तो कहती है कि मैं ये बोलना चाह रही थी कि जो भी मैंने किया तुम्हारे साथ उसके लिए सॉरी। तो कहती है कि आप ऑलरेडी मुझसे माफ़ी मांग चुके हो तो फिर क्यों? तो कहती है नहीं फिर भी मैं एक बार और। तो कहती है कि कोई बात नहीं वाह तुम घर चलो। तो कहती है कि ओके। तो वो खुश हो जाती है और उसको ये पता चल जाता है कि हाँ इसने उसकी बातें नहीं सुनी है। और कहती है ठीक है फिर तुम तैयार होके नीचे आ जाओ। तो कहती है कि ठीक है। तो ये बाहर की तरफ निकलती है। फिर हमारी जो शानवी होती है बड़ा खुश हो के ऐसे टर्न होती हैं और कहती हैं कि वाह मतलब इनको मुझे घर लेके जाना है। तो फिर जो होता है निया थोड़ी देर नीचे की तरफ आती है, फिर उसको ध्यान आता है कि उसने अपना कोट तो उसके रूम में ही छोड़ दिया है। तो फिर वो वापस लेने के लिए जाती है। तो इधर जो हमारी शानवी होती है वो मैडम अपनी साड़ी को हटा के ऐसे निकाल रही होती हैं। तो निकाल ही रही होती है, पल्लू हटाई हुई होती हैं, साड़ी को खोल रही होती हैं। तो वो अचानक निया जो होती हैं रूम में एंटर कर जाती हैं और ऐसे शानवी को देख लेती हैं। तो जो हमारी जो निया होती हैं उनकी आंखें ऐसे देख के फटी की फटी रह जाती हैं और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और जब ख्याल आता है शानवी को कि तो वो जोर से चिल्लाती है, फिर अचानक ही निया आगे आती है और उसका मुंह बंद करते हुए उसके जो कवर्ड रहता है उसके तरफ उसको लगा देती है। कहती कुछ अगर ऐसा चिल्लाओगे तो घर वाले ऊपर आ जाएंगे और प्लीज चुप, तो मैं हटा रही हूँ ना। तो कहती है हाँ। तो फिर
उसकी साड़ी के जो पल्लू उसने खोले होते हैं वो उठाती है और उसके कंधे पे ऐसे रखती है, वह आगे की तरफ घुमाती है और कहती है कि डोंट वरी, ओके, ऐसे मैं अपना कोट लेने आई थी, तो ऐसा बोलती है और वो अपना कोट उठाती है, वहाँ से चली जाती है। तो ये शानवी को बहुत अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं उसका दिल छू जाता है ये चीज़ नेहा का, और कहीं ना कहीं और हमारी नेहा के दिल में शानवी के लिए रिस्पेक्ट, प्यार, इज्जत और बढ़ जाती है उसकी ये हरकत देख के। तो कहती है कि ये इंसान को मैं जितना समझती जा रही हूँ ये इतना ही मुझे पागल करता हुआ जा रहा है, ये भगवान मेरा क्या होगा। तो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है मेरा। तो ऐसा होता है कि जो हमारी नेहा होती हैं वो नीचे आ जाती हैं अपना कोट लेते हुए, और इधर जो हमारी शानवी होती हैं वो शर्मा रही होती हैं, सोच सोच के यूँ उनका उसके कमर पे हाथ रख के अपने पास करीब ला के और मुँह पे हाथ ऐसे दबा के लगाना कपट की तरफ, और इतना करीब होना जो उसको ये सारी चीज़ें महसूस हो रही होती हैं, वो फील कर रही होती है कि कितनी अच्छी फीलिंग है ना। तो लाइक फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना कि जब हमें नए नए प्यार का खुमार होता है और जब हमारी मोहब्बत हमें बहुत मुश्किल से मिले तो उसका अलग ही नशा होता है। तो फिर ऐसा होता है, फिर हमारी जो शानवी होती हैं काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं और वो जाती हैं अपने कवर्ड को खोलती हैं और उसमें से कपड़े निकालती हैं और फिर अपना बैग पैक करती हैं और नीचे की तरफ आ जाती हैं। इधर फिर लंच तैयार हो गया रहता है, तो इधर सब लोग लंच पे बैठते हैं और जो हमारी श्रेया होती हैं, सॉरी शानवी होती हैं, वो बैठती हैं, तो बैठती हैं तो जो उनका हाथ और जो नेहा का हाथ होता है एक दूसरे के साथ टच हो रहा होता है और ऐसे दोनों ही साइड से हाथ रखे हुए होते हैं। तो हमारी शानवी को तो ये ध्यान नहीं होता है, बट हमारी नेहा की हालत ख़राब हो रही होती है। तो वो बार बार पसीना पोछे जा रही होती है अपने हैंकी से। तो इधर लंच कर रही है तो कहती है कि नाना जी कहती हैं कि बेटा तुमको इतने पसीने क्यों आ रहे हैं, तो वो देखती है उसकी तरफ तो फिर उसका ध्यान आता है कि हम दोनों का हाथ टच हो रहा है, तो वो फिर अपना हाथ हटा लेती है। तो कहती है कि नहीं, मम्मा वो मैं थोड़ी सी मुझे गर्मी फील हो रही है ना इसलिए। और ये बात जब कहती हैं तो शानवी जोर से हंसने लगती है। तो फिर कहती हैं कि तुम हंस क्यों रही हो, तो कहती हैं कि नहीं, मम्मा मैं हंस का रही हूँ, मैं तो बस ऐसे ही, तो कुछ नहीं, मुझे कुछ याद आ गया था इसलिए मैं हंसने लगी थी। तो कहती हैं अच्छा ऐसी बात है, तो कहती हैं कि हाँ ऐसी बात है। तो फिर ये दोनों सब लोग खाना खाते हैं और कहते हैं कि ठीक है आंटी, सॉरी आंटी मैं बोल रही हूँ, तो कहती है कि चलो बेटा ठीक है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, तो ठीक है मम्मा पापा मैं हम लोग आते हैं ना, तो ठीक है बेटा इसी तरह से आते रहना ना, तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो उधर चंचल कहती है हमें तो बहुत अच्छा लगा, हम तो आएंगे, तो और कहती है हाँ हाँ आप भी आना। तो कहती है कि ठीक है। तो ये लोग फिर जो हमारी निया होती हैं वो शानवी के लिए दरवाज़ा खोलती हैं। ये इतने टाइम के बाद पहली बार हुआ होता है कि निया ने बड़े इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ
उसके लिए अपने कार का दरवाज़ा खोला होता है। तो शानवी को ये चीज़ धीरे धीरे शानवी के दिमाग में और दिल में एक हलचल सी पैदा होती जाती है निया के लिए, और इधर निया के दिल में भी एक तूफान उठता रहता है शानवी के लिए। तो देखते हैं दोस्तों कहानी कहाँ मोड़ लेती है, और ज़िंदगी में भी तो फिर ये कहानी में ये होता है कि जो हमारी शानवी होती हैं ऐसे जाती हैं। तो ठीक है, आगे की एपिसोड कल सुनेंगे फिर। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।